आज दिनांक 15 मई 2020 को बंगाली कल्याण समिति के द्वारा ढांगी बस्ती में सूखा खाद्य सामग्री वितरण किया गया। उक्त खाद्य सामग्री बीसीसीएल के द्वारा मुहैया कराया गया था। खाद्य सामग्री में चूड़ा, गुड़, सत्तू, चना, बिस्किट आदि एक पैकेट बनाकर वितरित किया गया। उक्त खाद्य सामग्री करीब 200 लोगों को दिया गया। ये खाद्य सामग्री मुहैया करवाने में बीसीसीएल के ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तथा बंगाली कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्री भवानी बंदोपाध्याय का सराहनीय योगदान रहा। ज्ञात रहे कि धनबाद के प्रख्यात पंजीकृत सामाजिक संस्था बंगाली कल्याण समिति को जिला प्रशासन द्वारा कोविड महामारी के दौरान धनबाद और आसपास के इलाकों में राहत कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। यहाँ गांव में जो ढांगी बस्ती है, गांव में बहुत ही परेशानी किया था, तो उस जगह में वो सूखा बेल जो सब था वो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो खाते हैं इस गांव को हम लोग ऐड किए हैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ से। इस गांव में हम लोग आगे भी लोकेशन करना, यहाँ पर खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करना, पाला लॉकडाउन हुआ था उसमें भी हम यहाँ पर आके चूड़ा, गुड़ ये सब देख के, और ये थर्ड लॉकडाउन में भी हम लोग जो बीसीसीएल की तरफ से कुछ मिला कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं। और यही चीज कल भी था और भी प्रोग्राम है जो हम लोग दामोदरपुर में काम करेंगे, यही प्रोग्रेस लेंगे थर्ड लॉकडाउन का। ये मेरा नाम हनुमान गौर सचिव। आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के तरफ से बंगाली कल्याण समिति के सौजन्य से कर्माटांड के निकट की बस्ती में 200 पैकेट खाने का सामान बीसीसीएल प्रबंधन में ने दी है, जिसको हम लोग गरीब तबके के लोग जो ये पेंडेमिक के चलते, महामारी के चलते काम को खो बैठे हैं, अभी उनको कोई काम नहीं है, कुछ सहारा नहीं है, ऐसे घर के लोगों को हम कुछ खाने का सामान दिए हैं। ऐसे जरूरत के अनुसार ही बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम लोग का आग्रह पर बीसीसीएल प्रबंधन ने जो कदम उठाए हैं उसको हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बीसीसीएल प्रबंधन को साधुवाद देते हैं, बीसीसीएल प्रबंधन के सीएसआर विभाग के महाप्रबंधक, उनके पूरे टीम को इस सहयोग के लिए मैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ